सी बी एस ई ट्वेंटी टू फाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ दी ऑफ दी मॉडल क्लास इस पर शॉर्ट्स भी बना चुके हैं यहाँ पर चूंकि वर्ड्स में है इसलिए इसको ये देखना है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है अगर फाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास तो हम लोग फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला है आपका एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो by 2f1 minus f0 minus f2 into height हाइट अच्छा हाइट हम भूल गए थे into हाइट अब कह रहा है कि formula तो हम जान गए अब एकक जो भी यहाँ पे टर्म है उसको हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे तो कह रहा है मोड ऑफ़ द ग्रुप फ्रीकुन्सी इज गिवेन ए सेवेंटी फाइव तो चलिए ये मोड सेवेंटी फाइव दिया हुआ है ठीक एंड द मॉडल क्लास इज गिवेन एज सिक्सटी फाइव टू एट्टी यानी कि हमारा ये सिक्सटी फाइव जो है ये हो गया हमारा एल विच इज़ योर लोअर लिमिट एल इज योर सिक्सटी फाइव ठीक प्लस अब कह रहे हैं फाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास तो हमें एफ वन ही ढूंढना है ठीक एफ जीरो क्या है एफ जीरो है हमारा एफ वन के ऊपर वाला एफ ज़ीरो और इस F1 के नीचे वाला हो गया हमारा F2 हो गया ठीक यानी एफ जीरो क्या हो गया प्रिस तो हमारा प्रिस वैल्यू दिया हुआ है सिक्स तो प्रीसीडिंग वैल्यू सिक्स हम लिख लिए फिर कह रहा है कि माइनस एफ जीरो कितना एफ जीरो सिक्स एफ टू क्या है करा है सक्सीडिंग है तो सक्सीडिंग क्लास इज योर एट सो माइनस एट और एच वट इज योर एच एच इज़ दाइट ऑफ द्लास ये जो देख देख रहे हैं सिक्सटी फाइव माइनस एट्टी का डिस्टेंस यानी कि हमारा एच हो गया आपका एट्टी माइनस सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू योर फिफ्टीन यहाँ पर हम लोग फिफ्टीन लिखेंगे ये इतना करने के बाद में हम लोग फिफ्टी परसेंट काम कर चुके हैं अब इसको सॉल्व करना है चलिए सेवनटी फाइव माइनस सिक्सटी फाइव इज योर टेन एफ वन माइनस सिक्स बाय टू एफ वन माइनस फोरटीन इंटू फिफ्टीन ठीक आइए फाइव थ्री फिफ्टीन फाइव टू टाइम्स टेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टू टाइम्स टू एफ वन माइनस फोरटीन इज इक्वल टू योर थ्री एफ वन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करते हैं फोर एफ वन माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू योर थ्री एफ वन माइनस एटीन 4f1 minus 3f1 is equal to minus 18 plus 28. And f1 is equal to your 10. Yehi value tha hame. We have got it. If you have learned something, do like, subscribe, and share it among your friends. Thank you so much for learning.